दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। जो शिक्षक एनआईएस से ब्रिज कोर्स कर रहे हैं उनके लिए यहां पर एनआईएस ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी है। तो आप लोग जो भी ब्रिज कोर्स कर रहे हैं उनके लिए यहां पर जो भी पूरा प्रारूप आया है वो हम यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं और सारी बातें बताने वाले हैं। तो जो लोग ब्रिज कोर्स में रजिस्टर किए हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो एनआईएस की तरफ से जारी किया गया है टू दी ऑल रीजनल डायरेक्टर्स को, सारे रीजनल डायरेक्टर्स को जो नोटिस जारी की गई है वो नोटिस हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। तो अगर आप डेट देखिए तो 11 जून 2018 को ये जो है नोटिस बनी है, उसके बाद ये नोटिस भेजी गई है। और यहां पर अब डीएलएड के जो का अलावा जो ब्रिज कोर्स होगा उसके बारे में यहां पर सारी बातें दी गई है। तो इस नोटिस की तरफ अगर रुख करें तो टू ऑल द रीजनल डायरेक्टर्स, सब्जेक्ट है एलोकेशन ऑफ स्टडी सेंटर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग DLED स्टडी सेंटर्स टू द रजिस्टर्ड टीचर इन PDPET ब्रिज कोर्स। तो जो स्टडी सेंटर अभी जो एग्जिस्टिंग है DLED के लिए, वहाँ से अब उसको वहीं पर जो है ब्रिज कोर्स के लिए जो है जो रजिस्टर्ड टीचर हैं उनके स्टडी सेंटर में जो है एलोकेट करना है, वहीं पर बेसिकली उनका जो है ब्रिज कोर्स का भी स्टडी सेंटर होना है। तो उसके बारे में यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन दी गई है। डियर सर और मैडम, This is with reference to the letter issued by MHRD where it has been conveyed that NIS will conduct the 6-month bridge course, that is professional diploma program of elementary teachers with the help of concerned state. तो सर और मैडम, जैसा कि MHRD के द्वारा कहा गया है कि 6-month ब्रिज कोर्स का जो है कंडक्ट यहां पर किया जा रहा है NIS के द्वारा। इन दिस रिगार्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर PDPET कोर्स वाज ओपन्ड फॉर द इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर हैविंग BEd डिग्री एंड टीचिंग एट प्राइमरी लेवल एज पर द प्रोसेस आफ्टर रजिस्ट्रेशन द सेम हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द कंसर्न प्रिंसिपल। नाउ द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वेरीफिकेशन बाय द प्रिंसिपल इज ओवर एंड एज पर द रिकॉर्ड टोटल 1,04,496 टीचर इन ऑल इंडिया डेटा हैज़ बीन वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल एंड द एडमिशन इज कन्फर्म। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1,04,496 शिक्षकों ने यहाँ पर फाइनली जिनका कि वेरीफिकेशन कम्प्लीट हुआ और जो यहाँ पर PDPET यानी कि ब्रिज कोर्स में जो है फाइनली करने वाले हैं। तो इस यहाँ पर जो है बैकग्राउंड बताया गया है न्यूज़ के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में कि क्या बेसिकली था और यहाँ पर आगे प्रोसेस अब क्या किया जाएगा। आगे अगर देखिए तो एज पर द स्केड्यूल ऑफ एक्टिविटीज द फॉलोइंग एक्शन हैज़ टू बी डन बाय द कंसर्न। तो अब यहाँ पर आगे क्या क्या एक्शन लेना है उसके बारे में लिखा गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ ID कार्ड, ऑनलाइन ID कार्ड इज अवेलेबल एंड सेम मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम द DLED ब्रिज कोर्स वेबसाइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ID कार्ड जो है वो DLED ब्रिज कोर्स का जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। और आइडेंटिफिकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ द स्टडी सेंटर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग DLED स्टडी सेंटर बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर। तो अभी जितने भी एग्जिस्टिंग DLED के स्टडी सेंटर्स हैं उन्हीं में से जो है ब्रिज कोर्स के स्टडी सेंटर्स को चुना जाएगा और ये स्टेट नोडल ऑफिसर्स के द्वारा अब किया जा रहा है। रेस्ट एक्टिविटीज एज पर द स्केड्यूल, रेस्ट एक्टिविटीज जो स्केड्यूल है उस हिसाब से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये जून यहाँ पर 2-3 दिन पहले की ये जो है नोटिस है। आगे अगर इसमें देखें तो इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर विद इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट काइंडली एलोकेट द स्टडी सेंटर टू दोज टीचर ट्रेनी विद द हेल्प ऑफ स्टेट नोडल ऑफिसर। यू आर रिक्वेस्टेड टू एलोकेट द स्टडी सेंटर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नोटिफाइड स्टडी सेंटर ऑफ DLED। तो जो स्टडी सेंटर अभी है DLED का उसी में से जो है स्टडी सेंटर बना के इनको नोटिफाई करने के लिए कहा है। आगे है कि फाइन अटैच द डेटा ऑफ रजिस्टर्ड टीचर फॉर PDPET। You are requested to allocate the study center by mentioning the study center number after each enrollment number as you have done for the DLED and send one Excel sheet having enrollment number and study center. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्टर किया है उनके enrollment number के सामने जो study center का कोड है वो कोड यहाँ पर मेंशन करना है, स्टडी सेंटर नंबर मेंशन करना है जिस प्रकार से कि DLED में किया गया था। काइंडली एलोकेट द सेम एंड रिटर्न द सेम बाय 15th ऑफ जून 2018। तो
कल आपका 15th of June 2018 है, तो कल तक यहाँ पर जो है रिटर्न करने के लिए बोला गया है। सारा जो है शिक्षकों का एनरोलमेंट नंबर के सामने उनके ये क्या कहते हैं स्टडी सेंटर नंबर को लिख लिख के आगे यहाँ पर है इनक्लोज्ड स्टेट वाइज PDPUT रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड स्केड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है जो हम यहाँ पर आपको नीचे दिखाने भी वाले हैं कि यहाँ पर जो उनका जो एक्टिविटीज़ है वो जुड़ा हुआ है और किस स्टेट से कितने शिक्षकों ने रजिस्टर किया है उसका लिस्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो उस लिस्ट को अगर यहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं एक्टिविटीज़ को, तो एक्टिविटीज़ में मेंशन किया हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टडी सेंटर इज़ इन अप्रैल मई 2018। तो यहाँ पे बेसिकली जून हो गया लेकिन उनका एस्टिमेटेड था कि अप्रैल मई 2018 में ये करना है। तो अब यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि 15 जून 2018 इनको जो है कल के बारे में टाइम दिया गया है स्टडी सेंटर वालों को। अब आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली इनका एक्टिविटीज़ का जो एस्टिमेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टडी सेंटर अप्रैल मई 2018, यहाँ पे एक्सरिटेशन ऑफ स्टडी सेंटर अप्रैल मई 2018 और एलोकेशन ऑफ लर्नर टू द स्टडी सेंटर मई जून 2018। तो मई से लेके जून तक यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप को जो स्टडी सेंटर पर एलोकेशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वही 15 जून कल का डेट दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है स्टडी सेंटर वाले अगर डिले भी करते हैं तो अब ये जो है जून में ये प्रोसेस कराया जाएगा कि किसको कौन से शिक्षक को किस स्टडी सेंटर पर जाना है इसकी लिस्ट यहाँ पर दी जाएगी। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी मटेरियल आईडी कार्ड टू द टीचर्स और लर्नर। यहाँ पे है ऑनलाइन आइडेंटिटी कार्ड टू लर्नर इन मई जून 2018। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आइडेंटिटी कार्ड आप मई जून 2018 में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप टीचर सेक्शन में जाते हैं तो इनका सर्वर एरर आता है। तो मे बी वो जल्द ही इस चीज़ को ठीक कर देंगे और आप अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आगे अगर आप देखिए तो डिस्पैच ऑफ SLM अलॉन्ग विद असाइनमेंट टू स्टडी सेंटर बाय NIS फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टू लर्नर और टीचर्स जून जून जुलाई 2018। तो जो आपका असाइनमेंट यहाँ पर होगा या जो स्टडी सेंटर का जो भी मटेरियल्स होगा, जो भी चीज़ें होगी स्टडी सेंटर पे यहाँ पर PCP को चलाने के लिए या आपके आगे के एक्टिविटी को कराने के लिए, वो जून जुलाई में यहाँ पर भेजा जाएगा। स्टार्टिंग ऑफ द सेशन इज जून 2018। जून 2018 में स्टार्टिंग सेशन स्टार्ट करने का इनका एस्टिमेशन है। कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ फॉर यहाँ पर जो है फंक्शनरीज के में लिखा हुआ है कि वन डे ओरिएंटेशन ऑफ स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स एंड रिसोर्स पर्सन फेस टू फेस मोड। तो यहाँ पर जैसे कि DLED में हुआ था उसी प्रकार से इसमें भी ब्रिज कोर्स में भी स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर और रिसोर्स पर्सन का यहाँ पर जो है एक दिन का ओरिएंटेशन होगा। यहाँ पर जून के फर्स्ट वीक में लिखा जा रहा है, जो कि यहाँ पर अभी तक हुआ नहीं है और वहाँ पर करवाया जाएगा NIS के द्वारा। वो इंटरनल उन लोगों का प्रोसेस होगा। वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर सुपरवाइजर एंड मेंटर्स एट स्टडी सेंटर लेवल, ये भी जून के फर्स्ट वीक में है लिखा हुआ। तो यहाँ पर अब NIS उसमें प्रोसेस में चल रहा है। हो सकता है कि किसी किसी स्टेट में कहीं पर करवा भी दिया गया हो, लेकिन नॉर्मली इस चीज़ों को जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा कि जो स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर होंगे, रिसोर्स पर्सन होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, मेंटर्स होंगे, उनको ओरिएंटेशन यहाँ पर करवाया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PCP सेशन के बारे में लिखा हुआ है कि PCP सेशन कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 10 डेज होगा, 10 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक, जिसमें कि 521, 522, 523, 524 ये चार चार कोर्स का यहाँ पर PCP सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि जून के सेकेंड वीक से जुलाई के फोर्थ वीक के बीच में करवाया जाएगा। तो जून का सेकेंड वीक तो अब हो गया, तो यहाँ पर अब जल्द ही वो इस नोटिस को देंगे और जुलाई के फोर्थ वीक तक में इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर देखिए तो सबमिशन ऑफ कोर्स बेस्ड असाइनमेंट, सबमिशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ कोर्स 521, 522, 523 एंड 524 ये है जून टू जुलाई 2018। तो असाइनमेंट जून से जुलाई 2018 के बीच में सबमिट करना है। लर्नर विल सबमिट द असाइनमेंट टू द स्टडी सेंटर ड्यूरिंग द PCP। तो जो असाइनमेंट होगा आपका, आपके PCP के समय में जो 10 दिन का PCP होगा उसी समय में आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ये चीज़ें जो है वेरी कर रही है, जून से जुलाई के बीच आपको सबमिट करना है। आगे है इवेल्युएशन ऑफ असाइनमेंट ऑन कोर्स 521, 522, 523 एंड 524 बाय द स्टडी सेंटर। इवेल्युएशन वर्क विल बी डन बाय RPs ड्यूरिंग PCP एंड सबमिशन ऑफ मार्क ऑफ ऑल द असाइनमेंट ऑफ ऑल द कोर्स बाय NIS रीजनल
सेंटर। तो अगस्त ये दिया हुआ है अगस्त 2018 में, तो अगस्त 2018 में आपका जो है जो भी असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे उसको एवेल्युएट किया जाएगा और मार्क्स जो है आपका ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। अगला पॉइंट इसमें है कि कमेंसमेंट ऑफ स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज SBA, लर्नर विल डू द SBA इन द वर्किंग डेज एट देयर वर्क प्लेस ड्यूरिंग द PCP। तो आपका जो SBA होगा आप अपने वर्किंग के टाइम पे ही, जब आप PCP चलेगा तो उस टाइम पे ही आपका जो है SBA भी करवाया जाएगा। ये भी आपका जून के सेकेंड वीक से जुलाई के फोर्थ वीक तक, यानी कि PCP के टाइम में ही आपका ये होगा। उसके बाद है कि ऑनलाइन अपलोडिंग मार्क्स फॉर ऑल द फोर असाइनमेंट ऑफ ऑल द कोर्स बाय द स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स इन अगस्त 2018। तो आपका जो असाइनमेंट यानी कि TMA का मार्क्स होगा वो स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर के द्वारा अगस्त 2018 में अपलोड किया जाएगा। जब एक बार PCP क्लासेस हो जाती है, आपका TMA असाइनमेंट सबमिट हो जाता है, एवेल्युएशन हो जाता है। आगे यहाँ पर एस्टिमेशन टाइम दिया हुआ है कि स्केड्यूलिंग ऑफ WBA बाय द स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर अगस्त 2018। तो WBA जो कंडक्ट होगा वो अगस्त 2018 में होगा। कमेंसमेंट ऑफ 10 डेज WBA एट स्टडी सेंटर इन सेप्टेम्बर 2018। तो जब स्केड्यूल कर दिया जाएगा अगस्त में, उसके बाद सितंबर में जो है 10 डेज का WBA भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। स्केड्यूल करने के बाद अगस्त में स्केड्यूल किया जाएगा और सितंबर में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। कंसोलिडेशन एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ मार्क्स ऑफ WBA बाय स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर इस सितंबर लास्ट वीक 2018। तो आपका जो मार्क्स होगा WBA का वो सितंबर लास्ट वीक में आपको जो है आपका अपलोड कर दिया जाएगा। और सबमिशन ऑफ SBA रिकॉर्ड बाय द मेंटर एंड सुपरवाइजर टू द स्टडी सेंटर अगस्त फर्स्ट वीक 2018। और SBA का जो आपका मार्क्स मेंटर और सुपरवाइजर जो यहाँ पर जो रिकॉर्ड होगा आपका SBA का, वो मेंटर और सुपरवाइजर के द्वारा अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है सबमिट करने के लिए बोला गया है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ SBA मार्क्स बाय द स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर अगस्त लास्ट वीक। तो सबसे पहले तो अगस्त के पहले वीक में मेंटर और सुपरवाइजर SBA के रिकॉर्ड को सबमिट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लास्ट वीक में स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर उसके मार्क्स को अपलोड कर देंगे अगस्त के लास्ट वीक में। ये परफॉर्मा में है पूरा। उसके बाद आगे यहाँ पर जो है ऑनलाइन एग्जाम फी टर्म इंड एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन के बारे में है कि DLED का जो ब्रिज कोर्स है, ब्रिज कोर्स का जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या होगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम फी का पेमेंट करवाया जाएगा। अगला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर अगस्त 2018। एग्जामिनेशन सेंटर अगस्त में ही पहचान लिया जाएगा, मतलब उसका पता कर लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बनाना है और सितंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम फी का पेमेंट लिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेल्युएटर अगस्त 2018। तो जो इवेल्युएट करेंगे उनको अगस्त 2018 में ही जो है उनका निर्णय कर लिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटर इवेल्युएशन सेंटर अगस्त 2018। तो जो सेंटर होगा एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ पे किनको किस काम के लिए लोकेट किया जाएगा वो भी अगस्त 2018 में पता कर लिया जाएगा। आगे है डिस्पैच ऑफ आंसर बुक क्वेश्चन पेपर एंड रिलेटेड गाइडलाइन फ्रॉम NIS टू द इवेल्युएशन डिपार्टमेंट टू एग्जामिनेशन सेंटर इन सेप्टेम्बर 2018। तो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एग्जाम का या आंसर बुक है या जो बाकी चीज़ें होंगी वो सेप्टेम्बर 2018 में NIS के द्वारा एग्जामिनेशन सेंटर पे भेजी जाएगी। आगे है कमेंसमेंट ऑफ टर्म इंड एग्जामिनेशन अक्टूबर फर्स्ट वीक 2018। तो एग्जाम का जो यहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम इन्होंने दिया है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में दिया है। एवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट अक्टूबर सेकेंड वीक 2018। तो जो आपका आंसर शीट होगा एग्जाम के बाद उसका जो चेकिंग होगा वो अक्टूबर के सेकेंड वीक में दिया है। प्रोसेसिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2018। तो अक्टूबर में ये आंसर शीट इवेल्युएशन स्टार्ट होगा तो फाइनली नवंबर के सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा। ये पूरा एस्टिमेटेड डेट NIS ने यहाँ पर बताया है। और उसके बाद है कि इम्पोर्टेंट क्लियरिंग द बैक पेपर्स जनवरी एंड मार्च 2019। तो जिन लोगों का कोई बैक पेपर रहेगा छूट जाएगा वो जनवरी और मार्च में उन फिर से करवाया जाएगा, उसमें वो भर सकते हैं और उसमें वो अपना बैक पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो ये पूरा एस्टिमेशन था। अब यहाँ पर स्टेट वाइज जो है दिया हुआ है कि किस स्टेट से कितने शिक्षक ने यहाँ पर रजिस्टर्ड किया, कितनों ने पेमेंट किया और कितनों का एडमिशन कन्फर्म हुआ।
तो जितनों ने रजिस्टर किया तो सारों ने पेमेंट नहीं किया था, सारे लोगों ने, तो यहाँ पर जितने जिन लोगों ने पेमेंट किया और उसके बाद जो है प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन किया, तो फाइनली एडमिशन कंफर्म होने के बाद यहाँ पर टोटल लिस्ट दी गई है जो कि यहाँ पर 1,04,496 टोटल शिक्षक हैं जिनका कन्फर्म हुआ है और 1,27,161 हैं जिन्होंने टोटल रजिस्टर किया था लेकिन किसी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाए और वेरीफाई नहीं कर पाए। तो फाइनली 1,04,496 शिक्षक का यहाँ पर ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है। तो ये पूरी डिटेल्स थी जो एनआईएस ने यहाँ पर दी है और यहाँ पर इसी हिसाब से आपका प्रारूप चलेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कोई सुझाव या सलाह है तो शेयर करिए अगर आप भी लोगों की मदद करना चाहते हैं तो। और आगे की इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल पर वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।